ये बहुत अच्छी पोजीशनिंग है, बीच का सारा ओपन एरिया, सारी इंफॉर्मेशन ला करके किसी को दे सकते हैं, बट अभी यहाँ पर फाइट लेना चाहते हैं, स्कारल का इस्तेमाल करके रीलोड करके वापस ऊपर जाएंगे और खुद को पीछे रखना जरूर चाहेंगे। उनको पता अब उनके लोकेशन स्पॉट कुछ भी नहीं कर सकते, जाकर के फाइट्स तो लेनी ही पड़ेंगी, कुछ भी हो जाए ये फाइटिंग स्टांस इनको रखना पड़ेगा। खुद को फुली बूस्ट आउट करेंगे और कुछ हील करने के लिए है नहीं। अगर कोई प्लेयर यहाँ से ऊपर आया उनको पिक करने यहाँ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी एनिग्मा अवी की। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब यहाँ पे टैक्टिकल पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि अब जो टैक्टिकल के प्लेयर्स हैं वो सारे हमें ग्राउंड फ्लोर पर ही देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा एरियाज वहाँ पर नहीं है। अगर सीवेक्स आरआईपी के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे यहाँ पर थ्रोबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो जरूर से मुश्किल में डाला जा सकता है। और अब आप देखिए जैको बॉय को, वो बिल्कुल ओपन में वहां पर जा रहे हैं, फाइट लेने का पूरा मूड हमें देखने को मिलता हुआ, लेकिन दो ही प्लेयर है और एक ही मात्र जो खिलाड़ी है वो हमें आगे की तरफ अभी जाता हुआ नजर आ रहा है। जैको बॉय काफी ज्यादा ओपन में, उनके ऊपर भी कुछ शॉट्स आएंगे, वर्स की बात करें वो भी यहाँ पर थोड़ा लो ऑन एचपी आ जाएंगे, अपने आप को हील करेंगे, लेकिन अब टैक्टिकल की जो स्क्वाड है वो यहाँ पर पुशिंग करते हुए जरूर से नजर आ सकती है। पीछे से वो जो जोन का डैमेज है वो भी एक एनिग्मा के सैगी ने डाउन किया, स्ट्राइकर फॉर द विन को जैको बॉय, लेट्स सी क्या करने वाले। ऑर्गनाइज्ड 5 मीनवाइल एक शैक के अंदर फंस चुके हैं, एक ग्रेनेड एंड ऑर्गनाइज्ड 5 का भी सफाया हो सकता है, देखते हैं कि क्या कोई ग्रेनेड उनके ऊपर कर पाता है, क्योंकि जो जोन है इस समय टीम एक्सबॉक्स की झोली में। मैंने बोला था पोजीशनिंग बहुत अच्छी है एंड वेल इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पोजीशन जो टीम को मिल सकती है, बट अभी को यहां पर डाउन जरूर किया जाएगा टैक्टिकल के हिटमैन के ही द्वारा। इंस्टेंटली वो फिनिश ऑफ करते हुए नजर आएंगे। CUXRIP के जो प्लेयर्स है वो अच्छे एरिया पर है जरूर, लेकिन पीछे सर्कल जब आएगा तो दिक्कतें उन्हीं को सबसे पहले बनने वाली है, वहीं पर स्काउट को डाउन जरूर किया जाएगा। एनिग्मा के सैग स्ट्राइकर को पिक करते नजर आएंगे, ये मोलोटॉव एस इसके लिए तैयार नहीं थे एंड एस ब्लैक को यहां पर डाउन की जगह एगी के मोलोटॉव के द्वारा। अल्ट्रॉन वेल ही स्टिल इन द डिसीजन की अंदर जाए या नहीं जाए, अगर अंदर जाते ऊपर सीढ़ियों पर जाते तो एक अच्छा फिनिश वो निकाल जरूर सकते हैं। अभी के लिए देखते हैं 7 टीमें 21 लोग जीवित, टीम एक्सपर्ट क्या ये गेम ये लोग सच में अपना बना पाएंगे। सामने से एक्सो के प्लेयर्स आ रहे थे बट सेंसे को डाउन किया जाएगा मैंटी के द्वारा। एस ब्लैक का जो फिनिश है वो अभी के लिए अल्ट्रॉन जरूर से लेकर के जाएंगे, स्टील किया उन्होंने वो फिनिश और इसी के साथ कुछ और बढ़िया अंक उनके टीम के पास जाते हुए नजर आएंगे। टैक्टिकल के क्लच डाउन है, हिटमैन डाउन है, सीवेक्स आरआईपी जो है वो यहाँ पे पुशिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्लच का जो फिनिश है वो भी सिक्योर हो जाएगा और अब उन्होंने वाइल्ड को भी डाउन किया, हिटमैन भी डाउन, वो दो खिलाड़ी हमें चार पे भारी नजर आएंगे। टीम एक्सपर्ट की अगर मवी की बात करें उन्होंने वहां पर एक फिनिश जरूर से निकाला है और अब मात्र 6 टीम्स हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। टीम एक्सो के एक खिलाड़ी जो नॉक्ड आउट उनको इजीली रिवाइवल मिल सकता है। टीम एक्सपर्ट के खाते में अभी भी हमें जोन का एक बड़ा जो हिस्सा है वो देखने को मिल रहा है। टीम एक्सो वर्सेस एनिग्मा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ग्रेनेड का आदान प्रदान हमें देखने को मिल रहा है और ऑर्गनाइज्ड 5 के वो के ऊपर वो ग्रेनेड जरूर से जा सकते हैं, सेफ्टी कनेक्शन बनाते हैं। एंड CUXRIP मीरो की बात करें उनके दो खिलाड़ी अभी भी तैनात। सेंसे ने एक प्लेयर को डाउन किया, इनफैक्ट ऐसा लगता है कि टीम को यहां पर वाइप आउट किया गया है और वहां पर उसमें हाथ था मैंटी का भी, हैदराबाद हाइड्रास के, और क्लेस 5 का यहां से सफाया होता हमें नजर आएगा। 5 टीमें 14 लोग जीवित और एक अच्छा नेट पीएस का जाता है। CUXRIP मिसो वेल बाय बाय फ्रॉम द लॉबी, लेकिन अब यहां पर पंक की अगर हम लोग बात करें, सामने एनिग्मा के प्लेयर्स इन्होंने स्पॉट जरूर किए हैं, सैगी की बात अगर करी जाए तो उनका जो वेस्ट है पूरा का पूरा डैमेज अभी के लिए नजर आ रहा है एनिग्मा के सैगी, ही इज एट अ गुड एरिया फॉर हिमसेल्फ। साथ में टीम भी है, एक प्लेयर को इन्होंने अभी खोया था जो थोड़ा सा पीछे रह चुके थे, बट क्या ये गेम ये पा पाएंगे या गेम भी खो देंगे। सैगी अगर उनके पास एक अच्छा ग्रेनेड रहता है यहां से वहां तक जा जरूर सकता है, बट ऐसा लगता नहीं कि शायद थ्रोएबल्स की कमी अब टीमों को खटक रही है। टीम एक्सो का बैक टू बैक बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, फियर्स भी वहां पर बच जाएंगे और आप देखिए एक प्लेयर जो नॉक्ड आउट थे उनका भी रिवाइवल मिल चुका है, तो चारों प्लेयर्स के साथ टीम एक्सो तैयार है लेट्स एक्सो करने के लिए। अगर हम बात करें टीम हैदराबाद हाइड्रास की, दो खिलाड़ी उनके हमें देखने को मिल जाएंगे, जो मेजर मैन एडवांटेज है वो टीम एक्सो के पास जरूर से रहने वाला है, लेकिन उनको जाना पड़ेगा जोन के अंदर। एक्सो वर्सेस एनिग्मा गेमिंग, ये फाइट हमें जरूर से देखने को मिल सकती है, बिकॉज अगर एक्सो को यहां पर सर्वाइव करना है तो वो एक स्क्वाड को जरूर से वाइप आउट करना पड़ सकता है। लेट्स सी ये फाइट हमें कितनी देर में स्टार्ट होती नजर आएगी, बट अगेन टीम एक्सपर्ट की अगर हम बात करें काफी बढ़िया एक कंपाउंड है वो हमें उनके पास देखने को मिलेगा। स्मोक एक आएगा एनिग्मा के बिल्कुल सामने एंड वहां पर वो कनेक्शन बनाएगा नहीं, एंड टीम एक्सो के पंक वहां पर ग्रेनेड करेंगे उस एक कंपाउंड में, जितने भी जो स्लिट्स हैं हर जगह से वहां पर ग्रेनेड जाएंगे। सेंस यहां पर ओपनिंग नॉक निकालेंगे एनिग्मा के मात्र दो प्लेयर्स सैगी एनेगी, लेट्स सी यहां पर क्या 2v4 आएगा या फिर टीम एक्सो जो है वो इस फाइट को जीत में नजर आएगी। एक बढ़िया क्रॉस एयर जो है वो वहां पर बिठा करके उन्होंने जरूर से रखा, एक प्लेयर को डाउन करेंगे और एगी जो है वो सोलो मैन स्टैंडिंग पंक को भी डाउन किया। एगी इज स्टिल सर्वाइविंग
द होप्स आर स्टिल अलाइव फॉर एनिग्मा गेमिंग, रिवाइव करने के लिए जा रहे हैं। टीम एक्सो की बात करें तो अब वहां पर जो एक खिलाड़ी बचते हैं सेंस से, उनको यहां पर क्लोज इन करना पड़ेगा। रिवाइव के लिए जाएंगे, जी हां, ये भी अभी के लिए रिवाइव के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऊपर रिवाइवल पहले एग्जीक्यूट होगा। ऊपर रिवाइवल पहले होगा, प्लेयर्स नीचे आ सकते हैं, लेकिन यहीं पर है कि आप देखिए पीछे की तरफ को, आज के कूद के पीछे है, दोनों प्लेयर्स यहां पर हैं जरूर फाइट लेने के लिए। एक्सो को बाहर का रास्ता दिखाते हुए एनिग्मा के प्लेयर्स, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, काफी बेहतरीन तरीके से। और रेक्स यहां पर खुद को हील अप भी करना चाहेंगे, उनको फर्स्ट एड मिल जाएगी, लेकिन यहीं पर टीम एक्सपाक आगे जा रही है। ये स्पाक अब तो नहीं रुकना चाहते, एनिग्मा के प्लेयर्स आउट नंबर है, 3v2 का सिचुएशन। रेक्स के पास हील करने का समय है या नहीं, वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। और एगी खुद को 75 HP पर लेकर के जाएंगे, रेक्स खुद को 75 HP पर लेकर के जाएंगे। गिल को थोड़ा सा पीछे रखा गया है, अल्ट्रॉन और मावी पूरा तैयार है फाइट लेने के लिए। थ्रोएबल्स इस समय शायद ना हो, बट फाइट लेने का पूरा चांस है। एगी को डैमेज जरूर दिया जाएगा और इस सर्कल के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है। आखिरी जोन शुरू हो चुका है, 9 सर्कल रहेगा ये। एक्सपाक यहां से पॉइंट्स उठा सकती है, एनिग्मा यहां से पॉइंट्स उठा सकती है, दोनों में से जो भी टीम पहले जाएगी 12 पॉइंट्स उनको मिलने वाले हैं। लेकिन क्या कोई थ्रोएबल्स प्लेयर्स को मिल रहे हैं? ओ इट्स अ स्टन बैन, जो कुछ भी है सब कुछ फेंका जाएगा यहां पर अपने ओपोनेंट्स के लिए। लेकिन उसके बाद भी कोशिश यही बनती है, एक और स्टन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये स्टन सच में जाकर लेगा गिल? नो, उनके ऊपर स्टन यहां पर लगा नहीं है, अभी भी उनकी विजन प्रॉपर है। बट एगी क्या वो तैयार है आगे फाइट लेने के लिए? वेल, दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे को देखा, गिल और रेक्स ने, गिल और एगी ने, गिल को डाउन किया जाएगा 2v2 में इस पूरी फाइट को लेकर के आ चुके। बट रेक्स को यहां पर खुद को हील अप भी करना पड़ेगा, जैसे ये प्लेयर्स आगे जाएंगे दे विल हैव टू गो ऑल इन। M4 यहां पर एगी के पास, M4 यहां पर रेक्स के पास, हेलमेट पूरा का पूरा डैमेज इस प्लेयर का, बट ये गोलियां पड़ती है मावी की तरफ से और एक आखिरी प्लेयर एनिग्मा को डाउन किया जाएगा। टीम एक्सपर्ट